कैथल में लोगों ने नए साल का स्वागत कुछ अलग तरीके से किया। यहाँ लोगों ने नया साल मंदिरों में संकीर्तन और माथा टेक कर मनाया और नए साल में देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। दरअसल कैथल में एक जगह है गली मंदिरों वाली, यहाँ पर साईं बाबा खाटू श्याम सालासर बालाजी व प्राचीन बड़ी देवी के नाम से मशहूर हिंगलाज देवी का मंदिर है। लोगों ने यहाँ जागरण और साई संध्या का कार्यक्रम मंदिर कमेटियों ने रखा हुआ था। लोग भंडारा प्रसाद का आनंद लेकर संकीर्तन में शिरकत करते रहे। इस मौके पर हमने कुछ लोगों से बात की कि वह नए साल में क्या चाहते हैं और उनका पुराना साल कैसा रहा। नए साल पर जो आज यहाँ एक पूरा संगम सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का जो एक ये गुलदस्ता है, अपने आप में ये अनूठी मिसाल है। और इस तरह से प्रभु के नाम से अगर नए साल की शुरुआत हो, इससे बेहतर शायद कुछ हो नहीं सकता। तो नया साल कैसा होना चाहिए, कुछ उम्मीदें होती हैं भी नया साल ऐसा हो? देखिए, नए साल सबसे पहले आपसी सौहार्द और भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारा आपसी सौहार्द और भाईचारा है तो इसके बूते पर हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। बुराई को छोड़ेंगे, अच्छाई को ग्रहण करेंगे और बाबा से ये दुआ करेंगे कि साईं बाबा खुशियाँ ही खुशियाँ दे, इस पूरे विश्व में सुख शांति दे, यही एक चीज ही मांगते हैं। जिस प्रकार 2020 गई है, राम ना करेंगे दोबारा कभी किसी को ये दिन देखना पड़े। 2020 व्यापारियों के लिए, बच्चों के लिए और किसानों के लिए और सबसे बड़ी दिक्कत व्यापार के लिए बड़ी भारी गई है। हम प्रभु से माता रानी से अनुशंसा करते हैं कि आने वाला जो वर्ष है सभी के जीवन में खुशियां लेके आए, सभी स्कूल कॉलेज खुले ताकि बच्चे अपना जो है साल व्यर्थ ना कर पाए और व्यापार खुले, काम धंधे से खुले। और सबसे बड़ी दिक्कत जो इतनी ठंड के अंदर हमारे देश के जो किसान हैं आज कपकपाती ठंड के अंदर एक 3 अध्यादेश को लेकर जो बैठे हैं, तो कुछ भी करे सरकार उनकी मांगे पूरी करके समय पर ठंड जितना भी हो उसके जल्दी नए साल का एक तोहफा उपहार किसानों को दे। नया साल आज महारानी से हम ये प्रार्थना और अरदास कर रहे हैं कि आने वाला साल जिस तरह से ये 2020 निकला है ऐसा ना हो, समस्त इस भारतवासी के समस्त नागरिक स्वास्थ्य से संपन्न रहें, व्यापार से संपन्न रहें। और महारानी से ये मिलकर अरदास कर रहे हैं कि माता रानी जैसे इस साल में संकटों से, कष्टों से, व्यापारिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर और शारीरिक तौर पर जो कष्ट हो गए हैं, ऐसा कभी भी जीवन में कोई वर्ष ना आए। जरूरी नहीं कि नए साल के आगमन पर उसका स्वागत पटाखे फोड़कर ही किया जाए और डीजे बजाकर ही किया जाए। कैथल के लोगों ने इसे साबित कर दिखाया, जिन्होंने देश की तरक्की, खुशहाली और बेहतरी की दुआएं मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी वी, चंडीगढ़।